बेरोजगारी के ए दौर में रोजगार पावे खातिर तरह तरह के हथकंडा बता दी लोगन के द्वारा अपनाए जाता है। यही दौरान बता दी कि फर्जीवाड़ा के जरिए नौकरी पावे वालन के ऊपर अदालत के बड़ा फैसला आवा है। बता दी कि अदालत के द्वारा न केवल सजा सुनाई गई है बल्कि जुर्माना घलाए ठोका गया है। दमिंद क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचायत सभाजन इनका प्रणाम कही से शुरू कही थे। बड़ी खबर से बता दें कि फर्जीवाड़ा कह के नौकरी पावे वाले युवक का न्यायालय के द्वारा सजा सुनाई गई है। बता दी कि 6 साल जो उन्हें युवक के द्वारा अपन उम्र जो उन्हें कम करवाई लीन गई रही, फर्जी मार्कशीट के जरिए पूरी नौकरी जो उन्हें लीन गई रही के तहत अब बता दी कि जब जानकारी भय तो जाँच भय और आखिरकार न्यायालय के बड़ा फैसला आवा है। बता दी कि 10वीं फेल हुए के बावजूद पास के मार्कशीट लगा के नौकरी ले वाले कर्मचारी नेता का जेल भेजे जाए के बाद सतना अदालत के द्वारा बता दी कि फर्जी मार्कशीट से एक और बड़ा मामला में बता दी कि बिजली कंपनी के रिटायर्ड मृत का सश्रम कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई गई है। अभियुक्त तेदुखेड़ा नरसिंहपुर के रहने वाले आई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सतना भूपेश कुमार मिश्रा के द्वारा बता दी कि फर्जी मार्कशीट लगाए के बिजली कंपनी में मृत के नौकरी ले वाले आरोपी मोहनलाल पटेल एमपीईबी कॉलोनी झरना ऊपरी मंजिल नरसिंहपुर का बता दें कि 2 साल के सश्रम कारावास और 2000 रुपया के जुर्माना की सजा सुनाई गई है। बता दें कि सहायक अभियोजन प्रवक्ता संदीप कुमार के द्वारा बतावा गया कि अभियुक्त का धारा 417 के तहत 1 साल के सश्रम कारावास और 1000 रुपया के अर्थदंड के साथ 2 साल के सश्रम कारावास और 1000 रुपया के जुर्माना से दंडित किया गया है। बता दें कि जुर्माना न भुगतान करे पर 1 महीना के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगते पड़ी। बता दें कि अभियोजन के मुताबिक मोहनलाल किरार की नियुक्ति 23 जनवरी 1989 का बिजली कंपनी के क्षेत्रीय भंडार सतना में मृत के पद पर भय रही, जहां 8वीं के बता दें कि अंक सूची जो उन्हें दिखाई गई रही, जो जन्मतिथि जो रही ओमा अनियमितता पाई गई रही, जैके बाद बता दी कि जांच की गया और पूरा फर्जीवाड़ा के खुलासा भा, जैके बाद सतना सिटी कोतवाली में धारा 420, 467, 468 के तहत रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। बता दी कि 4 धारण में आरोपी का सजा सुनाई गई है। फर्जी मार्कशीट के आधार पर बता दें कि वन विभाग में आरक्षक के नौकरी ले वाले कर्मचारी नेता मुनेन्द्र सिंह परिहार का 4 अलग अलग धारण में 5-5 साल की सजा और 40,000 रुपया के जुर्माना की सजा सुनाई गई है। उसके बाद बता दें कि अपन के फैसला जहां मृत के नौकरी ले वाले फर्जी मार्कशीट के जरिए बता दें कि नौकरी ले वाले का घलाए सजा सुनाई गई है। तो जहां बता दें कि बेरोजगारी है और जो है सरकार के द्वारा कुल मिलाए के रोजगार के घोषणा तक की जाती पे जो जमीनी हकीकत है वह सबे का पता है, रोजगार कितना मिला है और इसलिए मैं युवन के जो उम्र होती वह हो जाती अधिक और नौकरी पावे के लालच में कुछ लोगन के द्वारा अपनी उम्र का कम दिखाए कि यह पूरा फर्जीवाड़ा किन जाते जो उनके कबो न कबो ओकर जांच होती है और यह में के जो घटना है भैया में के सजा घलाए मिल सकती। तो सजग रही, सतर्क रही, रखिए अपन और अपने परिवार के ख्याल दे। इजाजत, प्रणाम।